हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिला क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आपकी कल जो एग्ज़ाम है, एमपी सेट का जो एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी हो चुकी होगी? आपने अच्छे से पूरी तैयारी कर ली होगी, आई होप। अब आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल आपका जो फाइनल एमपी सेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें आपको क्या चीज़ें याद में रखनी है। एमपी सेट का जो एग्ज़ाम है, क्या आपकी कल की स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अपने पास रखनी है? क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एक दिन पहले अपने एग्ज़ाम की? तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम हॉल में लेके जानी है, जिसके बिना आप एग्ज़ाम हॉल में ना जाएं, वरना एग्ज़ाम आपको नहीं देने दिया जाएगा। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड, अगर आपने अभी तक प्रिंट नहीं करवाया है तो प्लीज़ जाके एडमिट कार्ड प्रिंट करवाइए अपना, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका क्लियर, अच्छा अच्छा प्रिंट होना चाहिए उसमें। उसके बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड आपने जो भी फॉर्म में भरा हुआ है वो, और एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी कार्ड आप लेके जाइए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही होते हैं, ठीक है। उसमें आपकी फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए, जो भी आपका आईडी कार्ड है उसमें आपकी फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आईडी कार्ड, और आईडी कार्ड के साथ आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आप दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। याद से दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उसके बाद आपको एक ब्लैक एक ब्लू पेन लेके जाइएगा, जेल नहीं होना चाहिए, डॉट पेन होना चाहिए, ठीक है, डॉट पेन होना चाहिए। उसके बाद अपने साथ आप वाटर वाटर लेके जाइए, क्योंकि इतना लंबा एग्ज़ाम है 3 घंटे का, तो आपको वहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे मिलता है, लेकिन अगर आपकी खुद की बॉटल रहेगी तो आपके लिए ईजी रहेगा, मतलब किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। ये 5 चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। ये सब चीज़ें आपको लेके जानी ही जानी है, एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, पेन, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एंड वाटर बॉटल, ये आपको लेके जानी है। इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपके जो कपड़े आप पहन के जाएंगे वो सिंपल कपड़े पहन के जाइए। कोई भी जो आपकी, जैसे अभी ठंड है तो स्वेटर में बड़ी बड़ी जो बटन होती हैं, तो ऐसी चीज़ें मत पहन के जाइए जिस जो वहाँ पे आपको उतारने के लिए बोलें तो दिक्कत जाएगी। इसलिए सिंपल कपड़े पहनिए। और ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट इयररिंग्स वगैरह का कुछ बोला नहीं गया है, लेकिन फिर भी अगर आप सोने का, अगर आपने कान का या नाक का कुछ पहना है तो प्लीज़ हो सके तो आप घर में उतार के जाइए, क्योंकि अगर वहाँ बोलेंगे तो फिर दिक्कत होगी, आप कहाँ रखेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखिए एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, वहां जाके आपको दिक्कत ना हो, इसलिए इन सब चीज़ों का पहले ही ध्यान रखिए। उसके पहले आपको टाइम से पहुंचना है, ताकि लास्ट मिनट आपको घबराहट ना हो वो पेपर में, वरना उसका इफेक्ट आएगा। तो टाइम से पहुंचिए, जो भी आपका टाइम दिया गया है आपका एडमिट कार्ड में, उससे कुछ टाइम पहले पहुंच जाइए। अगर आप दूसरे स्टेट में, मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका कुछ गया है सेंटर डिस्ट्रिक्ट में, तो प्लीज़ जाके आप पहले से देख लीजिए कहाँ पे आपका सेंटर है। एक दिन पहले, मतलब आज जाके आप पहले से देख सकते हैं, ताकि आपको कल कोई दिक्कत ना हो। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि टाइम से जाना है, आपको अपना सेंटर देख लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लेके जानी है। इन सब चीज़ों के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कल किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कल जैसे आपका फाइनल एग्ज़ाम है एमपीसेट का, ठीक है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, आपने अगर अच्छे से तैयारी की है तो आपको सब कुछ आता है। अगर आपने अभी कुछ टाइम से एमपी सेट की अच्छे से तैयारी की है, तो आपको आपको कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए आपको कि आपने तैयारी अच्छी की है और आपको जो भी पेपर आएगा आपको बन जाएगा, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने अगर तैयारी की है तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है और जाके अच्छे से परफॉर्म करना है, ठीक है। आपको अपना माइंड बिल्कुल काम रखना है, बिल्कुल शांत दिमाग रखना है, यहाँ वहाँ की चीज़ें नहीं सोचनी। आप एक चीज़ का और ध्यान रखनी है, आप एग्ज़ाम हॉल में जाके किसी से एक्स्ट्रा, किसी बच्चे से बात मत कीजिए, अपने अपने पेपर पे फोकस कीजिए। क्योंकि कई बार होते हैं हम लोगों से बात करते हैं, उसकी वजह से भी कई चीज़ें हमारे दिमाग में आती है कि अरे हमने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। तो किसी से बात करने के, एग्ज़ाम होने के बाद बात करिए, एग्ज़ाम होने के पहले अपना माइंड आप बिल्कुल, आपको शांत रखना है, ठीक है, फोकस रखना है, ताकि आपको जो चीज़ें याद आती जाए। कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन हमसे बनते नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही होती है कि हमको याद नहीं आ पाता। अगर आपका दिमाग शांत रहेगा तो आप चीज़ें याद कर पाएंगे, ठीक है।
एक और चीज का ध्यान रखना है कि अभी आज के दिन आपको कोई भी न्यू टॉपिक नहीं उठाना है। आपने जितनी भी चीजें पढ़ चुकी हैं आपको बस उसका रिवीजन करना है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक का। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है, आपको जो लगता है वो जो बहुत ज्यादा आते हैं या आपका थोड़ा सा रह गया है, बस उन चीज को आप रिवाइज कीजिए लास्ट डे, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपकी लिस्ट बनाई होगी आपने कि जैसे सोशियोलॉजी का एग्जाम है, सोशियोलॉजी के पेपर में आपने थिंकर्स, उनका कौन सा टॉपिक्स है, कौन सी बुक्स है, उनकी लिस्ट बनाई होगी आपने, है ना। तो आपको वो याद रख, आपको वो एक बार देख लेना चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए आप वो देख लीजिए। कोई भी न्यू टॉपिक आपको नहीं देखना है, जितना आपने किया है आपने अच्छा किया है। आप पीवाईक्यूज देख सकते हैं, पीवाईक्यूज थोड़े से लगा सकते हैं कि थोड़ा सा आपको एग्जाम के पैटर्न में रहने के लिए आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी रिवीजन हो जाएगा। लेकिन न्यू टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना है, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और आपको एग्जाम हॉल में टाइम का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने मॉक्स लगाए होंगे तो आपने अगर एग्जाम कंडीशन के हिसाब से मॉक्स लगाए होंगे कि कितना टाइम मिलता है, तो आपके लिए इजी रहेगा, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो आपको एग्जाम में टाइम का भी ध्यान देना है कि टाइम बाउंड, मतलब जितना टाइम है उतने टाइम में आपका पेपर हो जाए। आपको एक ही क्वेश्चन में अटकना नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसी में उसी को देखते रह जाए। नहीं, आपको नहीं बन रहा तो आप उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़िए, आगे बढ़िए, उस क्वेश्चन पे आप फिर से आके उसको देखिए, ठीक है। तो इन सब चीजों का याद रखना है। अगर आप ये सब चीजें ध्यान रखेंगे तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। मतलब मैक्सिमम चीजें क्या, मतलब होता क्या है, आपका एग्जाम अगर रुकता है कुछ क्वेश्चंस की वजह से तो यहाँ पे दिक्कतें आती है, जो मैं चीजें बता रही हूँ। आपका टाइम अगर कम पड़ जाता है, जैसे कॉन्फिडेंस की वजह से आप डर जाते हैं, रिवीजन सही से नहीं होता, इन सब चीजों की वजह से होता है। तो आप लास्ट डे आज यही करिए, आप अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बनाइए आप कब कब क्या करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन में नहीं अटकना जैसा कि मैंने बताया, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। और जैसा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरे क्वेश्चंस मार्क करने हैं, ठीक है, अच्छे से मार्क करने पूरे क्वेश्चंस। आपको कोई भी क्वेश्चन आपको आता हो ना आता हो आपको छोड़ना नहीं है, पूरे क्वेश्चन आपको मार्क करने की, हो सकता है कि आपको तुक्का सही लग जाए, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ओवरऑल शीट, जैसे कि ऑफलाइन एग्जाम है तो सबसे पहले आपको अपनी जो ओमार शीट है उसको अच्छे से भरना है, क्योंकि अगर आपने गलत भर दी तो आपको दूसरी ओमार शीट नहीं दी जाएगी। तो आप अपनी ओमार शीट अच्छे से, बिल्कुल दिमाग को शांत रखिए, एक एक ऑप्शन आपको, एक एक जो गोला है उसको अच्छे से आपको फिल करना है, ठीक है, अच्छे से। अगर आपको कुछ डाउट हो तो जहाँ पे वो इन्विजिलेटर जो भी हो आप उससे पूछिए, जो भी डाउट हो, कुछ भी गलत नहीं भरना है, बिल्कुल अच्छे से भरना है। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको फिर से ओएमआर शीट नहीं दी जाएगी, आपका एग्जाम, आपका आपको सब कुछ आते हुए भी आपका एग्जाम खराब हो सकता है अगर आप अपनी ओएमआर शीट गलत भरेंगे। कई बार क्या होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप गलत, जैसे चार ऑप्शन आपको ए भरना है, आप जल्दी जल्दी में बी भर देते हैं, तो ये भी नहीं करना है। आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ओएमआर शीट भरने में टाइम दीजिए, क्योंकि आपको टाइम की कमी नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर जल्दबाजी करेंगे तो चीजें गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। आप ओएमआर शीट अच्छे से भरिए अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद जल्दबाजी में आपको कोई किसी क्वेश्चन का कुछ और आंसर नहीं करना है, ठीक है। और आप कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसको बैठ के थोड़ा सा सोचिए, जल्दबाजी में नहीं देना है, हो सकता है कि आपको चीजें याद आ जाए। कई बार क्या होता है एग्जाम्स में, एक ही थिंकर के या फिर एक ही टॉपिक के एक से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन में भी मिल सकता है। तो एक बार पेपर हो जाए उसके बाद आप अगर जिसमें कंफर्म ना हो उसका उसका आप उस समय मत भरिए आंसर, हो सकता है आपको आगे किसी क्वेश्चन में आपको उसका आंसर मिल जाए तब भरिएगा, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, आपको लग रहा हो कि बिल्कुल सही है 100%, उसको तुरंत मार्क कीजिए। जिसमें थोड़ा सा भी डाउट हो उसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए, अगर हो सकता है कि आपको वो चीज़ आगे याद आ जाए या फिर आगे किसी क्वेश्चन में आंसर मिल जाए, ठीक है। इन सब चीज़ों का आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि ओएमआर शीट अच्छे से भरनी है, ठीक है। टाइम का ध्यान रखना है आपको, आपको जो आपकी जो भी एग्जाम हॉल की चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि आप अच्छे से लेके जा रहे हैं सारी चीज़ें, ताकि एग्जाम हॉल में जाके आपको दिक्कत ना आए। पेन वगैरह सब कुछ आपको लेके जाना है, और जो आपका पेन रहेगा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब उसकी रिफिल दिखनी चाहिए, ठीक है। ऐसा पेन आपको लेके जाना है, बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, और आपको क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस पढ़ने में ही हम इतनी
जल्दबाजी करते कि हम अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ते तो हमारा आंसर गलत, हम आंसर गलत दे देते हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। एक और चीज़ है, आपको नो और नॉट का ध्यान देना है, ठीक है। नो और नॉट का मतलब बहुत बार क्या होता है, नो और नॉट का आपका ध्यान देना है, मतलब एग्जाम में नो लिखा रहता है इनमें से, तो आपको ध्यान देना, आप इस पे ध्यान नहीं देते और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन अच्छे से पढ़िए, टाइम देके पढ़िए, जल्दबाजी में बिल्कुल पेपर नहीं देना। इस चीज़ का याद रखिए, अगर आप जल्दबाजी में पेपर नहीं देंगे, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छे से उसके ऑप्शंस पढ़ेंगे, तो आपके आपके ज़्यादा चांसेस हैं सही होने के, ठीक है। क्योंकि सिली मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आपका जो अगर एग्ज़ाम रुकता है, अगर किसी ने तैयारी की है फिर भी अगर आपका एग्ज़ाम रुक रहा है, तो आपने एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स की हैं। तो ये सब जो चीज़ें मैंने बताई, इन सब चीज़ों का आप ध्यान देंगे तो मैं 100% बोल रही हूँ, आपके मार्क्स कुछ अच्छे ही आएंगे, आप सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो, ठीक है। और ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका आपको ध्यान रखना है कि चार ऑप्शन है तो उसमें से आप देखिए कि कौन सा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, चार ऑप्शन है तो ऑप्शन एलिमिनेट करके देखिए, ठीक है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है मैंने बताया, तो आपको पूरे क्वेश्चन टिक करना है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैंने क्या क्या बताया, आपको OMR शीट अच्छे से भरनी है, ठीक है, आपको OMR शीट अच्छे से भरनी है, आपको टाइम का ध्यान रखना है, आपको प्रॉपर रीडिंग करनी है, प्रॉपर रीडिंग करनी है किसकी, क्वेश्चन की और उसके आंसर की आपको प्रॉपर रीडिंग करनी है, ठीक है। आपको पूरा जो सामान है, थिंग्स जो भी आपको लेके जानी है उस अच्छे से लेके जानी है, एडमिट कार्ड वगैरह जो भी चीज़ है आपको अच्छे से लेके जानी है। आपको अपना दिमाग, आपको कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है, आपने पढ़ा है इसलिए आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है, आपने तैयारी की है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आपने तैयारी की है इसलिए आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। दिमाग शांत रखना है ताकि चीज़ें आप अच्छे से कर पाए। वहां जाके आप किसी से भी बात मत कीजिए, एग्जाम के बाद बात कीजिए, एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल किसी से बात करने की जरूरी नहीं है। फोकस रहना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन, ठीक है, पूरे क्वेश्चन मार्क करने हैं, क्वेश्चन पूरे मार्क करने हैं जितने भी हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अच्छे से करनी है, ठीक है। आज आपको कोई भी न्यू टॉपिक नहीं उठाना है, कोई भी न्यू टॉपिक नहीं उठाना है आपको, जो भी आपका थोड़ा सा जो आपने बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट बनाएंगे, वो रिवाइज कीजिए, PYQs थोड़े बहुत देख लीजिए, ठीक है। बस आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, आपने तैयारी की है, ठीक है। तो कल के लिए आप सबको बहुत सारा ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, इजी पेपर कैसा भी पेपर आएगा, आपने तैयारी की है तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। और अगर कट ऑफ उसके हिसाब से, अगर टफ पेपर आएगा तो कट ऑफ कम जाएगी, इजी पेपर आएगा तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। आप पेपर कैसा आता है, आपने अच्छे से तैयारी की, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद से लेके जानी है, ठीक है, याद से आप लेके जाइए ये सब चीज़ें, वाटर बॉटल, अगर कुछ खाने के लिए जो भी है अच्छे से देख के जाइए, और अपना सेंटर देख लीजिए पहले से जाके, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बाकी अच्छा जाएगा। और कल हम जो आपका पेपर होगा उसका, परसों हम पेपर एनालिसिस करेंगे कि कैसा पेपर आया था, क्या आंसर्स होंगे वो देखेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट अपने पेपर एनालिसिस के वीडियो में। सबको ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा जाएगा, थैंक यू सो मच।